बड़े फैसलों के खिलाफ बड़ी पेशी, लीगी कारकुनों का जुलूस लेकर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। रास्ते में रुक रुक कर कारकुनान के नारों का जवाब दिए। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी हाजिर। अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त। कारकुनों के अंदर जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया, अदालत में दाखिला बंद करना सिर्फ इमरान हुकूमत में ही मुमकिन है। जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बॉर्ड वायर भी खत्म हो जाएगी और लोग इमरान खान को उठाकर मार देंगे। मियाँ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि हम एबीसी में शिरकत ना करें। मरियम नवाज की आहत है, अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना वक्त की ज़रूरत है। वालिद की वापसी पर बोली, इस उम्र में कौन अपने मुल्क से दूर रहना चाहेगा। मेरी ख्वाहिश है कि इलाज मुकम्मल होने तक वो वापस नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी की मुश्किल मजीद बढ़ गई। एहतसाब अदालत का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी साबिक सदर और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत का मुलजिमान को पेश होने का हुक्म। रोज से सैलाब मुतासर गांव का मंजर पेश करता डिफेंस। कराची के महंगे तरीन इलाके के मकीनों का क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर का घेराव। टैक्स ना देने की वार्निंग। अदालत जाने का फैसला कर लिया। ये मेरे घर में काम करती है, इनके भी उतना ही पानी है और मेरे घर में भी उतना ही पानी है। पहले ही अपने घर का साफ करके आई और फिर हमारे घर का साफ करने आ गई। कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उधर का? किसने एक सफाई करवानी थी? हमने करवानी थी। हमसे ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाम पे टैक्स लेते, प्रॉपर्टी टैक्स लेते, कहाँ गया हमारा पैसा? नया नाजमाबाद की भी पुरानी सूरत हाल। बारिश के 5 दिन बाद भी पानी सर से ऊंचा है। घरों का सामान, गाड़ियां सब बर्बाद हो चुकी। मकानात खतरे में पड़ गए। अब तक कोई मदद को ना आया। कौन बनेगा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर? फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालिक बातचीत की जाएगी। कोई नाम फाइनल भी हो सकता है। पंजाब के कई शहरों में रात गए और सुबह सवेरे बारिश। ओकाड़ा, शुजाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्तान, शुजाबाद और अटक में 3 मकानात की छतें गिर गईं। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सुबह सवेरे रिमझिम। मौसम खुशगवार। कराची वालों को रुलाने वाली के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए का झटका। हुकूमत और नेपरा पर इल्जाम तराशियां किसी काम न आई। जुलाई में तवील गैर ऐलानिया लोड शेडिंग पर जुर्माना लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्ट्रिक की सख्त सरजनिश। कराची रजिस्ट्री में वीडियो लिंक समाप्त पर अदालत ने कहा, कराची में कुछ नहीं बचा, मुकम्मल बर्बाद कर दिया। शहरी के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। नेपरा को रस्सी मजबूत करने का कहा तो रस्सी का पूरा गुच्छा के इलेक्ट्रिक को थमा दिया। अदालत ने विफाकी हुकूमत को 10 दिन में ट्राइब्यूनल बनाने की हिदायत कर दी। कराची के मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन पर क्रैकर हमला, 2 अहलकार जख्मी। सीसीटीवी कैमरों से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। माजी में भी इस थाने को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की जा चुकी है। फैसलाबाद जेल के कैदी हुनरमंद हो गए। मुजरिमों के हाथ से बनी अशिया लायलपुर आर्ट गैलरी में नुमाइश के लिए पेश। कैदियों को फरोख्त से मुआवजा दिया जाएगा। सऊदी वजारत दिफा में बड़े पैमाने पर माली बदनवानियां। शाही हुकुम पर कमांडर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ओहदे से बर्खास्त। अलजोफ के नायब गवर्नर भी मुअत्तल। वजारत दिफा के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई करेगा।
अमरीकी फौज में सदर ट्रंप की मकबूलियत कम होने लगी। फौजी जरीदे के पोल में 37.4% फौजियों ने ट्रंप और तकरीबन 42% ने जो बाइडन की हिमायत कर दी। गुज़िश्ता साल ट्रंप को 42% फौजियों की हिमायत हासिल थी।